अब इनसे बचना कैसे आपने? सबसे पहले तो किसी अथेंटिक ऑफिस में जाएं। ये जो पार्कों में बैठे हुए हैं, सुल्ताना में स्क्वायर पे खड़े हैं, कार्ड बांट रहे हैं, तकसीम स्क्वायर पे खड़े हुए कार्ड बांट रहे हैं, ये कल को पैसे लेके निकल जाएंगे। यहाँ पर अक्सर ये फ्रॉड हो रहे हैं कि लोगों को फीस पूरी ले ली, सिर्फ एप्लीकेशन उनकी करके ना, वो जिसका 50 लीरा और इंश्योरेंस का 250 300 400 जितने भी होते हैं वो करवाई, वो उनके हाथ में दिया और फिर गायब। अब नंबर बंद कर लिया तो आप कहाँ पकड़ोगे इस्तांबुल में बंदे को? अथेंटिक ऑफिस में जाएं। और अगर कोई बंदा, कोई एजेंट आपको उठा के किसी दफ्तर में लेके जाता है तो उस दफ्तर में जाके पूछें कि जी कितने पैसों में आप मेरा कार्ड बना रहे हैं, ताकि वो जो बंदा बीच में 800 900 हजार ले रहा की या 200 400 डॉलर की डज मार रहा है आपको, वो पकड़ा जाए। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें। आपने अपने आप को सेव करना है, बहुत आसान तरीका है। किसी पार्क में, सुल्ताना स्क्वायर और तकसीम स्क्वायर में जो लोग खड़े हुए हैं, या मैं देख रहा हूँ मॉल्स के बाहर लोग अपनी बीवियों को लेके खड़े हुए हैं, बच्चों के साथ बच्चों को लेके खड़े हुए हैं जी, वो ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि पाकिस्तानी फैमिली आए शॉपिंग करने के लिए, लोग आते हैं जो माशाल्लाह, तो वो उनको कह रहे होते हैं जी हम आपके कार्ड बनाते। जिस बंदे को आप अकाउंटेबल नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, पूछ नहीं सकते। मैंने अगर किसी का कार्ड बनाया, मैं एक जगह पे बैठा हूँ, एक सेटअप है, एक ऑफिस है, अगर खुदा ना खासा ऊंच नीच होगी मैं जवाब दे हूँ आपको, मुझे आप पैसे देके कभी भी आप मेरे पास पहुंच सकते हो कि जी ये प्रॉब्लम हुई है। हाँ खुदा ना खासा गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिलेशन आती है आपकी एप्लीकेशन की, तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से गई हुई है और वो गवर्नमेंट ने रिजेक्शन कर दी, वो एक और बात है। ऑल दो के 99% केसेस में ये होता नहीं, फर्स्ट टाइम मिल जाती है, एक्सटेंशन के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। सो इन स्कैमर से बचने का और कम पैसे पे करने का सिर्फ एक तरीका है, ये जो यारों दोस्तों से बनवा रहे हैं उनको भी डजें पड़ती हैं, मतलब हमारे पास जो भी भेजता है या लेके आता है उसमें पैसे शामिल होते हैं। सो बेस्ट पार्ट इज कि आप कोशिश ये करें कि ये जो पार्कों में खड़े हुए हैं, सुल्ताना में स्क्वायर, टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, सुल्ताना में स्क्वायर पर मैं देखता हूँ लोग कार्ड बांट रहे हैं अपने अजीबो गरीब नमूने, तकसीम स्क्वायर पर अपने कार्ड बांट रहे हैं, पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर खड़े हुए हैं कार्ड बांट रहे हैं, या जिन लोगों को लाइक सड़कों पर खड़े होकर जिन्होंने काम करना है वो आपको प्रॉपर्टी कैसे लेके देंगे? वो इतना हसास चीज़ है आपका कार्ड, आपने वीज़ा लिया, टिकट लिया, फिर यहाँ आए, TRC के एक्सपेंसिव एक टाइम पे, या फैमिली जो है उस 4-5 लाख रुपया भर के खड़ी हुई है, और एक ऐसे बंदे के सर पे आप कंधों पर कैसे छोड़ सकते हैं अपने आप को जिसके अपने पैरों के नीचे जमीन नहीं है? सो अवॉइड करें। आपने स्कैम से बचना है तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप किसी अच्छे अथेंटिक बड़े ऑफिस में जाके अपना काम करवाएं, कॉस्ट फिर भी जहन में रखें। 750 बच्चों के लिए, 700 750 बड़ों के लिए, 1300 से 1500 लेना आपकी एज के अकॉर्डिंगली होता है, फिर 100 200 जो भी आपने ऊपर पे करना है, ये एक अच्छी अमाउंट है TRC के लिए। 100 200 लेना का जो मुनाफा है बेहतरीन है। स्कैमर से बचने का वाहिद तरीका दफ्तर, इस सड़कों पे खड़े होकर पार्कों में बैठ के जी बड़ी अच्छी हमारी सलाम दो, सलाम दो तो लगेगी ना आपको, आप लोग सिर्फ इस चीज़ को लेके कि लैंग्वेज नहीं आती, आप एक फ्रॉडी के हाथ चढ़ जाते हैं। अवॉइड करें, बचें, सेफ प्ले करें अपने आप को जितना, अब जितना यहाँ आके अगर आपने सेटल यहाँ होना है तो आपको लैंग्वेज से तो कूप करना पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए आप स्टार्ट में कि मुझे हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा, 10 दिन का वीज़ा, 5 दिन का वीज़ा, तो एक दिन का काम है TRC, आप आखिरी दिन भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, 2 3 4 5 लोगों से मिलें, कॉस्ट चेक करें और फिर किसी को अपने पेपर दें कि ये जी मेरा अप्लाई करें। और एक और चीज़, अक्सर लोगों का देखा है कि पाकिस्तान से चलने से पहले यहाँ की एप्लीकेशन लगी होती है, एप्लीकेशन का जो पहली चीज़ है कि आप जब लैंड करते हैं वो डेट देखी जाती है एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपकी इंश्योरेंस अगर बाद में हुई है ये आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।